छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोयला लोड मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भवनवार टंक रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। राहत कार्य शुरू है। मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से ट्रैक पर कोयले का ढेर लग गया है, जिससे इस रूट से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 9 का रूट डाइवर्ट किया गया है। हादसे में अप और डाउन दोनों लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। रूट पर यातायात बहाल होने में 2 से अधिक दिन का समय लग सकता है। हादसे में ओएची तार और सिग्नल के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में रेलवे को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। अप और डाउन दोनों रूट पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। जी, ये भनवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है कोला परिवहन किया जा रहा था, उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है, सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मदद के लिए पहुँचा हुआ है? जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को, पूरी टीम आ गई है और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे, लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। क्या लगता है कब तक ये आवागमन, ये तो हमारी रेलवे की टीम बता पाएगी, बाकी हम लोग की तरफ से पूरे प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग।